अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैं 2 BHK आपको दिखाने वाला हूं, वो भी 1219 फीट में, तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि 2 BHK आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो भी गेटेड टाउनशिप में विद अमेनिटीज। जी हाँ, बेसमेंट पार्किंग, क्लब हाउस, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, पार्क, ओपन किड्स एरिया, इंडोर गेम्स, लाइब्रेरी, हर चीज आपको इस टाउनशिप में मिलने वाली है। 6.37 एक टाउनशिप रहती है, जिसके अंदर आपको इतनी सारी अमेजिंग अमेनिटीज मिल जाती हैं इतने प्यारे 2 BHK के साथ। लोकेशन वो रहती है आपकी चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे, जीरकपुर से हार्डली 6 किलोमीटर और चंडीगढ़ से हार्डली ये आप रहेगा 13 किलोमीटर, चंडीगढ़ के एंट्रेंस यहाँ से हार्डली 13 किलोमीटर आपकी रहने वाली है। तो अगेन आप देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी शहर से दूर रहना चाहते हैं, मतलब तो शहर के अंदर नहीं चाहिए, शहर से थोड़ा सा दूर चाहिए, शांत एरिया चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि बहुत अमेजिंग अमेनिटी के साथ बहुत अमेजिंग आपको यहाँ पे प्राइस भी मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं आपका होम टूर। तो दोस्तों 16x11 ड्राइंग एरिया का साइज रहने वाला है, जो आपका इस घर के अंदर वेलकम करता है। जैसे ही आप इस 2 BHK के अंदर एंटर करते हैं, आपके मन से एक आवाज निकलती है, वो है वाओ, इतना स्पेशियस। जी हाँ, 1219 फीट में बहुत ही अमेजिंग स्पेस मैनेजमेंट की हुई है आर्किटेक्ट ने और बिल्डर ने। तो ड्राइंग एरिया आप देख सकते हैं, काफी स्पेशियस आपको रहने वाला है। एल शेप में हमने यहाँ पे सोफाज लगाए हुए हैं, काफी वाइब्रेंट कलर हैं, जो आपको एक अच्छी वाइब्स प्रोवाइड करते हैं। ड्राइंग के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, आपको मिल जाता है आपका LED पैनल का स्पेस, काफी बिग साइज आप यहाँ पे LED पैनल लगा सकते हैं और अच्छे अच्छी मूवीज का फैमिली के साथ मजा उठा सकते हैं, क्योंकि जितनी प्यारी सोसाइटी है उतना ही स्पेशियस आपको यहाँ पे 2 BHK मिल जाता है। इसी साथ आपको मिल जाता है आपकी बैल्कनी का एक्सेस, और बैल्कनी आप देखिए कितनी स्पेशियस है, हमने यहाँ पे टेबल एंड चेयर लगाया हुआ है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं काफी स्पेशियस आपको यहाँ पे बैल्कनी मिलने वाली। तो दोस्तों बहुत ही स्पेशियस ड्राइंग एरिया के बाद आपका वेलकम होता है इस प्यारे डाइनिंग एरिया के साथ। 10x11 आपको ये डाइनिंग स्पेस मिल जाती है, और 2 BHK के हिसाब से जो ड्राइंग और डाइनिंग है वो बहुत स्पेशियस है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि हम 2 BHK सोचते हैं तो थोड़ा कंजेशन फील होता है, और यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा क्या है कि जो ड्राइंग डाइनिंग है वो आपका एल शेप में बना हुआ है, इससे क्या है कि आपकी प्राइवेसी प्रॉपर मेंटेन रहती है। घर ड्राइंग में अगर कोई गेस्ट बैठा हुआ है तो सिर्फ डाइनिंग स्पेस नजर आती है, बाकी आपके अंदर रूम्स किचन आपकी विजिबल बिल्कुल भी नहीं होती। इसी के अलावा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत स्पेशियस घर है, आपको फ्रंट में मिल जाता है आपका इतना स्पेस कि आप यहाँ पे एक क्रॉकरी यूनिट डिजाइन कर सकते हैं, अपना बार बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आप मंदिर भी बना सकते हैं, क्योंकि इतनी स्पेस मिल जाती है, आप अपने तरीके से इसको कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। हमने आपको क्रॉकरी का आइडिया दिया हुआ है कि क्रॉकरी स्पेस कैसे डिजाइन की जाती है। तो दोस्तों किचन आपकी 2 BHK कम लगती है, 3 BHK ज्यादा लगती है, क्योंकि बहुत अमेजिंग किचन है, ऐसी किचन आपको 2 BHK में हार्डली देखने को मिलती है। यू शेप की किचन रहने वाली है, अगेन चिमनी होब आपको एज इट इज मिलने वाला है, वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो मिल जाती है, और आपकी वॉशिंग के लिए आपको यहाँ पे डबल बाउल सिंक मिल जाती है, और साथ में आपको मिल जाता है आपकी कटलरी का स्पेस। तो एक डिसेंट साइज किचन है, किचन आपके सारे ब्रांडेड रहने वाली है, हैक्टिक ब्रांड की अभी किचन रहेगी, और किचन आपके लिए सॉफ्ट क्लोज रहने वाली है। फ्रिज की आपको यहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस दी हुई है। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल घर बनाया है, 2 BHK के हिसाब से जो एरिया चाहिए एक फैमिली को वो यहाँ पे आपको डिसेंटली मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि 2 BHK दे रहा है बिल्डर तो आपको एरिया से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, आपको एक डिसेंट सा अच्छा आपको साइज और एक अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट बेडरूम। आइए दोस्तों, ये रहेगा आपका 10x12 का फर्स्ट बेडरूम, आप किड्स बेडरूम कह सकते हैं। क्लियर बेडरूम साइज मिल जाता है आपको, और आप इंटीरियर देखिए, डार्क और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, एक रूम को एक अलग ही लुक प्रोवाइड कर रहा है। अगेन ये आपको स्पेस मिल जाती है आपके कबर्ड्स की, कबर्ड्स आप अपनी रूफ हाइट तक बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, बहुत ही सिंपल सा आपके यहाँ पे इंटीरियर किया हुआ है, पर फिर भी आई कैची है, एक अच्छी आपको यहाँ पे फील दे रहा है, एक अच्छी आपको वाइब्स दे रहा है। किड्स बेडरूम है, उसके हिसाब से आप देखो, सनलाइट के लिए वेंटिलेशन या वो प्रॉपर यहाँ पे विंडो दी हुई है, इसी के साथ आपको स्टडी टेबल के लिए यहाँ पर प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, और साथ में रहता है आपका अटैच वॉशरूम, जो आपका अटैच भी रहेगा और आपका कॉमन भी रहने वाला है, दोनों पर्पस आपके सॉल्व होते हैं। तो दोस्तों अपार्टमेंट्स आपके यहाँ हाईवे फेसिंग ही रहेंगे या आपके पार्क फेसिंग ही रहेंगे, तो व्यू देखिए कितना अमेजिंग आ रहा है, वाओ
कितना अमेजिंग व्यू है, कितना मिसमराइजिंग व्यू है, आप देख सकते हैं हाईवे का पूरा व्यू आता है। ओपननेस काफ़ी अच्छी है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आपको अमेनिटीज वो भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बालकनी स्पेस काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों ये देखिए आपका ये कॉमन वॉशरूम एक्सेस जो मैंने आपको जो आपका किड्स बेडरूम से अटैच रहने वाला है, और ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम। दोस्तों 11x14 का आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है। आप अगेन देखिए कितना प्यारा कलर है, कितने अच्छा है आपको यहाँ पे पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, तो घर एक काफी अच्छा लगता है। कलर आपके काफी वाइब्रेंट है तो घर बहुत आई कैची लगता है, एक फील बहुत अच्छी आती है। तो इसके अलावा अगेन सनलाइट वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे विंडो दी हुई है, और इतना अमेजिंग स्पेस है कि आप यहाँ पे इजिली आप यहाँ पे सिटिंग स्पेस भी आपके अरेंज कर सकते हैं। हाउस हमने आपको यहाँ पे लगा के दिखाया हुआ है कि आप एक अच्छी यहाँ पे स्पेस अरेंज कर सकते हैं। और ये रहेगी आपकी बालकनी का एक्सेस, अगेन आपको बालकनी से जो व्यू मिलता है वो हाईवे का मिलने वाला है। व्यू काफी अच्छा है पूरे पूरे अपार्टमेंट से। और दोस्तों ये रहेगा आपका अटैच वॉशरूम, अगेन वॉशरूम देखिए कितना स्पेशियस है 2 BHK के हिसाब से। दोस्तों आप कमेंट के जरिए अपने व्यू शेयर कीजिएगा कि आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा, किचन कैसी लगी, ड्राइंग रूम कैसा लगा, क्योंकि 1219 स्क्वायर फीट के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग स्पेस मैनेजमेंट किया हुआ है और व्यू काफ़ी अच्छा आता है अपार्टमेंट से। तो इस प्रॉपर्टी के प्राइस के लिए, लोकेशन के लिए, साइट विजिट के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी विल लव टू असिस्ट यू, वी विल लव टू हेल्प यू। अगेन हम ट्राई करते हैं कि आपके लिए अच्छे अच्छे घर अच्छी अच्छी लोकेशन पर लेकर आएँ। तो बैंग ऑन हाईवे की लोकेशन है, मेन जो आपका टाउन है, जैसे मैं जीरकपुर की बात करूँ चाहे मैं चंडीगढ़ की बात करूँ, तो थोड़ा सा आउटर साइड पर रहता है। पर हाँ, अगर शांति चाहिए, बैंग ऑन हाईवे प्रॉपर्टी है, डेली नीड की हर एक चीज़ आपको यहाँ पे विद इन 500 मीटर आपको मिल जाएगी, इवन की सोसाइटी के अंदर भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप अपना घर देख रहे हैं, बच्चों के लिए अमेनिटीज देख रहे हैं, अपने लिए अमेनिटीज चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट आने वाला है। जल्दी कीजिए, लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल है हमारी। मैं लकपीर आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नई प्रॉपर्टी के साथ, नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एलएसओ।